प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिनमें से कंसीव करने के तुरंत बाद ही जो बदलाव आते हैं ना, उन्हें तो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण माना जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बाद आपके शरीर में आने वाले बदलावों को पहचान कर और समझ कर बड़ी ही आसानी से पता किया जा सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना हर महिला के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड से कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। इसके साथ ही आगे हम ये भी जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लड़की होने के क्या लक्षण होते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वो कौन सी बातें लिखी होती हैं जिन्हें पढ़कर और समझकर पता किया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़की होने वाली है। इसके साथ ही वीडियो में हम आगे ये भी जानेंगे कि गर्भ में लड़की किस साइड रहती है, किस साइड हलचल करती है, और अगर किसी भी गर्भवती महिला के घर में लड़की है तो उसके शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, उसे अपनी बॉडी में क्या लक्षण महसूस होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब जान ही लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लड़की होने की क्या लक्षण होते हैं, कहाँ लिखा होता है कि गर्भ में लड़की है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो डॉक्टर के पास जब आपका आना जाना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर्स आपको लगभग प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से लेकर 9 महीने तक आपको 4 से 5 अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं, जिससे कि आपको समय समय पर अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रिपोर्ट मिलती रहे, आपको पता चलता रहे कि आपका शिशु स्वस्थ है या फिर नहीं है। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की स्थिति, भार, वजन, हार्ट बीट, इन सारी चीजों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भ में लड़का या फिर लड़की होने की पहचान भी की जा सकती है? क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी गर्भवती महिला की गर्भ में लड़का होने पर उसकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है वो अलग होती है, और अगर किसी भी गर्भवती महिला के गर्भ में लड़की है तो उसकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो एकदम से अलग होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं उनमें गर्भ में लड़का होने पर जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है वो अलग होती है, उसमें कुछ बातें अलग लिखी होती हैं, और लड़की होने पर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ अलग बातें लिखी होती हैं। पर फ्रेंड्स, इन बातों को केवल एक अनुभवी डॉक्टर ही समझ सकते हैं या फिर वो व्यक्ति समझ सकता है जो काफी लंबे समय से अल्ट्रासाउंड करता आ रहा है। एक सामान्य व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड में लड़का और लड़की होने के संकेत कहाँ लिखे होते हैं, क्या बातें होती हैं जिनसे डॉक्टर्स पता कर लेते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, तो आप इसके लिए मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिनमें मैंने आपको अल्ट्रासाउंड में जितनी भी जानकारी होती है घर में पल रहे बच्चे की, वो सारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर आप चाहें तो मैं उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ विजिट करके वीडियो देख सकते हैं और अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे देश में घर में पल रहे शिशु के लिंग परीक्षण करना या करवाना कानूनन अपराध है, इसीलिए मेरा वीडियो और चैनल लिंग परिचय को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देता है। मैं आज के वीडियो में आपको अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनसे पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु 100% लड़की ही है। सबसे पहला लक्षण है नवलिंग परीक्षण। जी हाँ फ्रेंड्स, शायद आपको नहीं पता लेकिन नाड़ी के कोण के द्वारा भी गर्भ में भ्रूण के लड़का या फिर लड़की होने की पहचान की जा सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसकी नाड़ी के नवलिंग का जो कोण होता है वो उसकी रीढ़ की हड्डी के कोण से 30 डिग्री कम होता है तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स, गर्भवती महिला के गर्भ में बच्चे का जो लिंग का निर्धारण है वो 14 हफ्ते के बाद या फिर 3 महीने के बाद ही पता चलता है, और गर्भ में बच्चे के लिंग और जननांग का निर्माण भी आपकी प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद ही शुरू होता है। इसीलिए आपकी प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है ना, तो उस अल्ट्रासाउंड में आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की नवलिंग के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। दूसरा लक्षण है प्लस माइनस।
जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्लस और माइनस का जो चिन्ह बना होता है उसका मतलब क्या होता है, ये किस ओर संकेत करता है? और क्या आप जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है? क्योंकि फ्रेंड्स, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्लस प्लस का चिन्ह बना हुआ आता है तो इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है, और अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में माइनस माइनस के चिन्ह बने हुए होते हैं तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्लस और माइनस के चिन्ह से भी पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, बशर्ते कि आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ना और समझना आना चाहिए। तीसरा लक्षण है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो कि 5 महीने के बाद की गई है उसमें उसके गर्भ में पल रहे शिशु की जो हार्ट बीट है वो 140 BPM से ज़्यादा है तो इसे गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। चौथा लक्षण है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला के दूसरी तिमाही के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भ में बच्चे के जननांग वाली जगह पर टर्टल या कछुए के आकार का चिन्ह बना हुआ होता है कुछ इस तरह से तो इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। वहीं अगर किसी भी गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसके गर्भ में बच्चे के जननांग वाली जगह पर 3 लाइन यानी कुछ इस तरह से बनी हुई दिखाई देती हैं तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 4 बातें जिन्हें आप अपनी प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पढ़कर और समझकर पता लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के बाद आपको अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इन बातों को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।